प्यारे बच्चों, जेई मेंस 2024 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस टू माइनस वन, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। तो जब भी इस तरह का सोल्यूशन क्वेश्चन होता है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को ग्राफ से ही सॉल्व करना पड़ता है, यानी आपको नंबर ऑफ सोल्यूशन देखना है। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन में दो ग्राफ का इंटरसेक्शन करेंगे और कितने पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा है वो पता करना है। तो सबसे पहले इस -1 को अगर इधर लेके चलेंगे तो आपको इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस टू। और ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों कैसा फंक्शन है, अलग अलग इवन फंक्शन है। अगर इसको एक फंक्शन माने और इसको भी एक फंक्शन माने, दोनों कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। और इसका ग्राफ जो होता है वो आपको सिमेट्री विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस होगा, यानी इवन फंक्शन में वाई एक्सिस के लेफ्ट और राइट में हम लोग इंटरसेक्शन देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो मॉड वाला पार्ट है, इसको तीन पार्ट में आप तोड़ सकते हो, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू मॉड ऑफ एक्स प्लस टू, इसको तीन पार्ट में लिख सकते हैं। अगर हम लोग एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस टू रखेंगे तो ये बन जाएगा माइनस टू एक्स, बिकॉज दोनों अंदर वाला पार्ट क्या होगा, नेगेटिव, और नेगेटिव को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आप माइनस टू से आप टू के बीच में रखोगे तो एक ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव, तो आपको मिल जाएगा फोर। और जब आप एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू करोगे तो फिर से इवन फंक्शन है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये मॉड वाला तीन पार्ट में टूट गया और एक तरफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपवर्ड अपन पैराबोला। अब दोनों का ग्राफ खींचता हूं, दोनों का ग्राफ खींचना है तो सबसे पहले मॉड का ग्राफ खींचो, सबसे पहले मॉड वाले का ग्राफ खींचो। मॉड वाले का ग्राफ इस तरह से होगा, ये एक्स हो जाएगा, आपको यहाँ पर में क्या मिल जाएगा, फोर का लाइन मिलेगा और एक पार्ट इस तरह से चलेगा और एक पार्ट चलेगा इधर की तरफ। और ये जो भी ग्राफ होगा ये बेसिकली कौन सा लाइन है, ये बेसिकली है वाई इक्वल टू माइनस टू एक्स, और ये ग्राफ है वाई इक्वल टू टू एक्स, और ये जो लाइन है ये वाई इक्वल टू कौन से बराबर है, फोर के बराबर है। अब आपके पास ये वाला जो ग्राफ है ये एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इसका मतलब है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस पैराबोला का जो वर्टेक्स हो जाएगा, एक्स का वैल्यू जीरो वाई का वैल्यू वन, यानी जीरो कॉमा वन, जीरो कॉमा वन, बिकॉज ये हाइट कितना है, फोर है, ये पॉइंट है जीरो कॉमा फोर, तो जीरो कॉमा वन से स्टार्ट करेगा और जीरो कॉमा वन से स्टार्ट करके इस तरह से आपको चलेगा, जीरो कॉमा वन से इस तरह से आपको पैराबोला ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ। अब सवाल ये होता है कि यहाँ पर तो दो बार कट कर रहा है वो आपको पता भी चल रहा है, बिकॉज अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वन को फोर के बराबर करोगे, ये लाइन वाई इक्वल टू फोर है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट थ्री, यानी एक पॉइंट ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, रूट थ्री, और एक बार ये पॉइंट हो जाएगा माइनस रूट थ्री। दो बार तो कट किया, व्हाइट वाला ग्राफ और आपके पास में ग्रीन वाला ग्राफ। अब आगे ये दोनों ग्राफ कट करेगा कि नहीं करेगा वो कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करो, दोनों को कंपेयर करो। जैसे आप कंपेयर कर रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस वन और टू एक्स से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन टू एक्स से हमेशा बड़ा होगा फॉर एक्स ग्रेटर देन रूट थ्री। कैसे, जैसे अगर ये इक्वलिटी साइन आप देखते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स ग्रेटर देन जीरो, और यहां से बन जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। ऑब्वियसली होल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब रूट थ्री के आगे, रूट थ्री के आगे जो है एक्स स्क्वायर प्लस वन टू एक्स से बड़ा होगा। ठीक इसी तरह से माइनस रूट थ्री के पीछे भी ये वाला ग्राफ क्या होगा, आगे की तरफ निकल जाएगा। ऑब्वियसली बात है ये पैराबोला है तो इस तरह का अपवर्ड कर्व मूव करेगा, यानी जब आप एक्स को रूट थ्री से बड़ा करोगे तो ये वाला वैल्यू हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा इससे, तो आगे कहीं कट नहीं करेगा। यानी एक्स ग्रेटर देन रूट थ्री और एक्स लेस देन माइनस रूट थ्री, इन दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो दो इंटरसेक्शन इधर हुआ है और आगे कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर मैं एक चीज और आप कर सकते हो, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, टू सॉल्यूशंस होगा, एक आपको एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट थ्री, एक कॉन्सेप्ट आप ये भी देख सकते हो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन और टू एक्स है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन और टू एक्स, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन अगर इसको आप ग्रेटर देन करोगे
तो यहां से एक चीज पता चल जाएगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स ग्रेटर देन टू। और ये एम जी एम से भी आप देख सकते हो, एम जी एम से भी देख सकते हो कि ये जो इनइक्वालिटी है ये दो से क्या होगा, बड़ा होगा, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है टू एक्स से बड़ा होगा। और इक्वलिटी होता है एक्स इक्वल टू वन पर, तो वन का तो बात ही नहीं है, क्योंकि यहां पर मैं जो ग्राफ आपने खींचा है ये वन के आगे आपको जो भी इंटरसेक्शन देखना है ये पॉइंट रूट थ्री और ये माइनस रूट थ्री के आगे देखना है, बिकॉज यहां तो दो बार कट करते हुए जाएगा तो आगे इंटरसेक्शन नहीं करेगा तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसी तरह से ये भी क्या होगा, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, अगर इधर में ऊपर की तरफ जाएगा तो इधर में भी ऊपर की तरफ जाएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, टू ही होगा। तो ऐसा क्वेश्चन को ग्राफ से कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। तो चलिए बच्चों, अगर आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगे इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू माई डियर फ्रेंड्स।